आज मैं आपको स्टोमक प्रॉब्लम्स के बारे में बताने जा रही हूँ। उसके लिए कुछ एक्सरसाइज है। स्टोमक प्रॉब्लम जैसे पेट का फूलना, खट्टी डकारे आना और गैस बनना, एसिडिटी या अम्ल का बनना पेट में, और फूड पाइप में खाना आ जाना, गैस बनना, खट्टी डकारे आना या खाना नहीं पचना, कॉन्स्टिपेशन रहना, लूज मोशन हो जाना, ये सारी इन एक्सरसाइज से पूरी स्टोमक प्रॉब्लम्स आपकी खत्म हो जाएंगी। तो आप इन्हें कीजिए फ्रेंड्स। और इसके साथ साथ स्टोमक प्रॉब्लम्स के साथ साथ ये एक्सरसाइज आपकी आर्म्स को स्ट्रांग करेंगी, प्लस ये साइड फैट को कम करेंगी और टमी फैट को, थाइस फैट को सबको बंद करके और ये आपको स्ट्रांग बनाएंगी, मसल्स को मजबूत बनाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कीजिए। देखिए मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। तीन चार एक्सरसाइज है, आप कर लीजिए, इजी है, इतने ज्यादा टफ नहीं है। देखिए पहले तो आप सीधे लेट जाइए, ठीक है। आगे हाथों को आप यहाँ हिप के नीचे रख लीजिए हाथों को, ठीक है। फिर ये आपने पैरों को उठाना 45 एंगल पे और थोड़ा सा आपको सिर भी उठाना है। ये 45 एंगल पे पैरों को उठा लीजिए और थोड़ा सा सिर भी उठाइए। इसमें आप स्टे कीजिए 10-1 सेकंड तक, फिर धीरे धीरे आपको हैबिट हो जाता है, आप 1-2 मिनट भी स्टे कर सकते हैं। अब इसके बाद इसको 90 डिग्री पे ले लीजिए। ये 90 डिग्री पे आप सीधे स्ट्रेट कर लीजिए। आपको इसमें सर नीचे रख लेना है, हाथ हिप के नीचे रहेंगे, स्ट्रेट कर लीजिए, ठीक है। अब इसमें भी आपको स्टे करना है, ये और इजी है, इसमें आप ज्यादा स्टे कर सकते हैं। फिर इसके बाद थर्ड आती है, अपने को उठाइए थोड़ी सी बॉडी, ये पैरों को 45 एंगल पे लीजिए और ये हाथों को यहां यूं ले जाइए इसे, ये इसमें भी स्टे कीजिए आप। फिर इसके बाद ये पैर को यहां तक लाइए, इसमें आप 1-2 मिनट तक स्टे कीजिए। फिर लेग चेंज कर लीजिए, फिर इसमें भी स्टे कीजिए 1-2 मिनट तक। आप सिर को उठाए रखिए ऊपर, फिर ये दोनों पैरों को ले लीजिए पवन मुक्तासन पूर्ण, इसको भी इधर ऐसे कर लीजिए। ये तो हो गई फ्रंट की एक्सरसाइज, अब अपन बैक की एक्सरसाइज करेंगे। तो आप सीधे पीछे पलट जाइए, इसमें हाथ और पैर दोनों उठाएंगे, इसको रिवर्स नौकासन कहते हैं। हाथों को भी ऊपर उठाइए, पैरों को भी ऊपर उठाइए, पैर थोड़ा दूर दूर रहेंगे, चिपके हुए नहीं रहेंगे। हाथ और पैर दोनों उठा लीजिए, ये हो गई। फिर इसमें एक और है, ऐसे उठ जाइए, दोनों पैरों को दूर दूर कर लीजिए घुटनों को और नीचे नाभि को नीचे टिकाने की कोशिश कीजिए, पेट को जितना नीचे तक ला सकते लाइए और हाथों को दूर फैला दीजिए और अपनी पेशानी और नाक को नीचे टच कर दीजिए। हाथों को ऊपर खींचिए। तो फ्रेंड्स ये एक्सरसाइज कीजिए, अपना स्टोमक, अपने इंटरनल पार्ट्स को सुधारिए।